हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हुए हैं और बैंक निफ्टी भी कुछ दिनों साइडवेज मूवमेंट ही कर रहा है। 42,000 के नीचे का मूवमेंट देखने को मिला नहीं है, यानी 42,000 पे बढ़िया सपोर्ट है। सो एक क्लासिक एग्जाम्पल बनता है, या ऐसा बोले क्लासिक केस बनता है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के दम के मैं बात कर रहा हूँ ये। सो ऊपर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे या रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें मिल सकता है, सपोर्ट अगर नीचे की तरफ आता है तो कहाँ मिल सकता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 5 दिनों में कंफर्टेबल जहाँ पे काम किया है, कि पिछले 3 दिनों के रेंज की तरफ आप नज़र डाल सकते हैं, लगभग 42,300-400 के रेंज में जाने के बाद में एक बार वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। बीच में एक दिन यानी मंडे के दिन जो शुरुआत हुई थी काफ़ी बढ़िया हुई थी 42,600 के आसपास में, लेकिन वो लेवल टिका नहीं था। सो इस लेवल को या 42,600 को इतनी ज़्यादा अहमियत तो नहीं देंगे, बट नीचे की तरफ अगर 42,000 के आसपास में मिलता तो बाइंग क्लियर कट दिख रही है, ये करना चाहिए। और ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी आईसीआईसीआई बैंक के वजह से शायद एक नया रेंज, यानी ये जो 42,600 का रेंज था, इसे तोड़ते हुए नजर आ सकता है। सो 50 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस रेंज में सपोर्ट, किस रेंज में रेजिस्टेंस फिलहाल देखने को हमें मिल रहा है। अगर 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो जैसा हमने पहले बताया 42,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन 42,000 से लेके 41,970 के बीच में एक बार अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पे आता तो आपको एक बार बाय करना चाहिए। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेट मी राइट दोज रेजिस्टेंस हियर। सो पहला रेजिस्टेंस आपको इन लेवल्स के आसपास में है, सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए इस वीक के अंदर में जो कंटिन्यूसली देखने को मिला था 3 times एटलीस्ट, वो आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन द फोर्थ रेजिस्टेंस आपके लिए सामने ये देखने को मिल रहा है। एज आई मेंशन अर्लियर 42,600 के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको कौन से लेवल्स पे नज़र रखना चाहिए? लेट से कल के दिन में गैप अप ओपनिंग हो जाती है और मार्केट जो है वो 42,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, सो बढ़िया मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ से एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का मूवमेंट जो देखने को मिलेगा वो 42,700 तक जाते हुए, यानी इन लेवल्स पे जाते हुए एक बार बैंक निफ्टी दिख सकता है। लेट से कल के दिन में 42,700 के ऊपर की ही ओपनिंग हो जाती है, सो थोड़ा सा वेट करना है। रीज़न क्या है? क्योंकि 42,700 से 42,800 एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। ये अगर क्रॉस करता है 42,800 के ऊपर 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप फिर वहाँ से 43,000 के रेंज में एक बार जाएंगे। 43,000 से 43,100 के बीच में रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल। सो एक ये लेवल नज़र आ रहा है, और ये हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो हाई लगाया था वो था लगभग 43,600 के आसपास का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग होके 43,100 या 43,000 पे ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 42,800 पे एक बार बाइंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ में फिर से 43,000 का इंतज़ार कर सकते हैं। बैंक के नतीजे ऐसे तो हैं जहाँ पे आप 43,600 की एक बार उम्मीद इस वीक के अंदर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में बहुत सारा लॉन्ग पोजिशन नहीं बना है अभी भी, सो चांसेस बनता है ऐसे रिजल्ट्स में एक बार ऊपर की तरफ के आईसीआईसीआई बैंक लेवल दिखाए, जिसके चलते हुए आपका बैंक निफ्टी भी 43,000 ऊपर के सस्टेन करने की कोशिश करे। ऑप्शन चेन में कुछ पोजीशन खास बनी हुई नहीं है, इसके बारे में उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन में एक पॉजिटिव मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ मार्केट से, पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 43,000 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। दिस ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।